तो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे इस YouTube चैनल में। मैं हूं अभिषेक और आज मैं आपको बताने वाला हूं फायर टेस्ट एनिमेशन के बारे में। जैसे कि आपने पहले देखा, उसको हम आज क्रिएट करने वाले हैं। तो वीडियो को आपको पूरा देखना है एंड ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए चलिए अपने वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों, मैं यहाँ पे काइन मास्टर पे आ चुका हूँ। काइन मास्टर पे आ जाने के बाद दोस्तों, यहाँ पे आप मैंने ब्लैक बैकग्राउंड सेलेक्ट कर लिया है। एंड मैं आपको ये बता दूँ कि जितने भी बैकग्राउंड एंड पीएनजी मैं इस पर यूज़ करूँगा, सबके लिंक आपको जो बॉक्स में मिल जाएगी। एंड दोस्तों, यहाँ पर मैंने एक वीडियो यहाँ पर मैं पुट करने वाला हूँ, फायर का एक एनिमेशन है। तो उसको अगर आपको लेना है तो डाउनलोड लिंक आपको बॉक्स में मिल जाएगी, तो वहाँ जाके आप ले सकते हो। यहाँ पर आपको सिंपली लेयर पर टैप करना है, मीडिया पर टैप करना है। एंड वहाँ पर दोस्तों, फिर जो आपने डाउनलोड करा है उसको मैं सिलेक्ट कर लेना है, तो मैं उसको जल्दी से सिलेक्ट कर लेता हूँ। दोस्तों, यहाँ पे आप देख सकते हो मैंने एक का यहाँ पे सिलेक्ट कर लिया है एंड एक फायर की तरीके से। देन दोस्तों, यहाँ पे आपको लास्ट पे जाना है, ब्लेंडिंग के ऑप्शन पे टैप करके इसको स्क्रीन कर देना है, जिससे कि जो भी इसका ब्लैक का एरिया होगा वो हट जाएगा। एंड इसके बाद आपको उसको छोटा करके स्क्रीन पे पुट कर देना है, जिससे कि जो आपका टेस्ट हो पूरा ही आ जाए। इसके बाद दोस्तों, यहाँ पे आपको इसी तरीके से बी ए बी सी जो भी आपको लिखना है वो आप लिख सकते हो, ए बी सी डी इस तरीके से कुछ भी। मैं यहाँ से आप ऐसे भी अपने चैनल का नाम लिखना चाहता हूँ, तो मैं यहाँ से जब बी को भी सेलेक्ट कर लेता हूँ उसी तरीके से। तो यहाँ से मेरे को बी को सेलेक्ट करना है एंड उसको भी जाके स्क्रीन कर देना है ब्लेंडिंग के ऑप्शन पे। एंड उसको स्क्रीन कर देने के बाद उसको भी अच्छे से सेट कर देना है। तो यहाँ मैं इसको भी सेट कर देता हूँ। एंड देन दोस्तों, यहाँ पे आप देख सकते हैं मैंने इसको भी अच्छे से सेट कर दिया है। और इसी तरीके से आपको हर एक लेयर को ऐड कर देना है। तो मैं इसको क्या करता हूँ, जल्दी जल्दी से हर एक लेयर को ऐड कर देता हूँ। तो यहाँ पे देख सकते हो, आपको सिंपली आप ये बैकग्राउंड सेलेक्ट कर लेना है। इसके बाद यहाँ पे आपको एक और वीडियो को ऐड कर लेना है, तो मैं जल्दी से उस वीडियो को भी ऐड कर लेता हूँ। दोस्तों, यहाँ पे आपको एक स्मोक की भी पीएनजी है, उसको भी ऐड कर लेना है, तो मैं इसको थोड़ा सा इंक्रीज कर देता हूँ। एंड उसके बाद दोस्तों, यहाँ पे आप देख सकते हो आपको अब इसको सिंपली इस तरीके से बड़े स्क्रीन में कर देना है। यहाँ पे आपको इसको जाके ब्लेंड कर देना है, तो मैं इसको ब्लेंड कर देता हूँ। एंड इसके बाद स्क्रीन आपको कर देना है, तो देख सकते हो कुछ इस तरीके से एक फायर इफेक्ट आएगा। एंड इसको अगर आप डुप्लीकेट करना चाहो एंड उसके बाद अगर आप इसको रोटेट करना चाहो तो आप रोटेट भी कर सकते हो। तो मैं इसको जल्दी से भी इस तरीके से रोटेट कर देता हूँ। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कुछ इस तरीके से मैंने कर दिया है। इतना जाने के बाद यहाँ से दोनों तरफ से आएगी एक इस तरीके से एक स्मोक टाइप से एक आएगा। तो दोस्तों, उसके बाद जो हमने वीडियो एक्सपोर्ट करा था उसको आपको ले लेना है। एंड मैं उसको ले लेता हूँ एंड इसको आपको फर्स्ट पर रख के इतना करके दोस्तों आपको सिंपली इसको अच्छे से एडजस्ट कर लेना है स्क्रीन के ऊपर कि कितना आपको यहाँ पे रखना है, कितने में आपका ये जो टेस्ट है वो आना चाहिए। तो मैं इसको अच्छे से बड़ा करके इतने पे इसको क्या करता हूँ। इसके बाद दोस्तों, आपको यहाँ पे आपको जाना है ब्लेंडिंग के ऑप्शन में एंड इसको कर देना है आपको स्क्रीन। एंड उसके बाद यहाँ पर आप देख सकते हो कुछ इस तरीके से एक एनिमेशन क्रिएट होगा, बहुत ही ज़्यादा अच्छा भी लग रहा है। तो ये वाला जो दोस्तों जो आपने क्रिएट करा है, आपको सिंपली इसको सेंड टू बैकवर्ड कर देना है। एंड सेंड टू बैक आप पूरा अगर कर दोगे तो जिससे क्या होगा, जो आपकी ये स्मोक होगी वो बस आपकी वो आपकी जो टेस्ट है वो ऊपर आएगी। तो सिंपली सेव कर लेना है। वीडियो ख़त्म होने से पहले हमारी वीडियो कर दीजिए लाइक और चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब और बेल आइकन भी प्रेस करना ना भूलिएगा। और चलिए, मैं अभी वीडियो ख़त्म होने से पहले मैं आपको छोटा सा एक प्रीव्यू उसका दिखा देता हूँ।